गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यावरा में, अब यहां से निकलते हैं। बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। यहां का मौसम बहुत लाजवाब है, हल्का हल्का ठंडा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी का पलटी हुआ है। वैसे चढ़ाई पे गाड़ी था, पता नहीं कैसे पलटी हो गया। काफी चढ़ाई है यहाँ। हमें तो उम्मीद लग रही है शायद ये नींद में ही हुआ होगा। हेलो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं इंदौर में। हमारे गाड़ी का शटर बोल्ट टूटा था, तो अभी दही डलवा के तब निकलेंगे। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी खाना भी नहीं खाए हैं। काम होने के बाद ही खाना खाएंगे। गाड़ी गैरेज पे खड़ी कर दिए हैं, मिस्त्री जुट गए हैं काम करने के लिए। कार वाली है ना, फाइनली दोस्तों हमारा पार्टे का काम हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं निकलने। अब यहाँ से निकल के पहले खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, काफ़ी समय हो गया है। खा पी के तब निकलेंगे। आगे से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई नहीं है, जाने दो। निकल गई अपनी गाड़ी। मौसम वैसे बढ़िया है, बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और गर्मी का समय है, मत पूछो, हालत ख़राब हो जाता है। खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग। यहाँ पे भी एक गाड़ी पलटी हुई है, दो हाइड्रा लगे हुए हैं उठाने के लिए। पूरे ट्रिप में तीसरा एक्सीडेंट दिख रहा है। वो गाड़ी गई है अंदर खाई में, शायद टेलर है। सामने बादल ऐसा लग रहा है कि नीचे गिर रहा है। अभी आगे चल के देखते हैं कितना बारिश हो रहा है वहाँ पे। बादल देख के तो लग रहा है कि बारिश बहुत तेज होगा आगे, आगे चलने के बाद ही पता चलेगा। मौसम भी ठंडा है यहाँ का। एमपी में उतना गर्मी नहीं है, जब से बारिश चालू हुआ है तब से गर्मी कम हो गई इधर। सामने बारिश हो रही है, हम लोग भी बारिश में पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है इधर, देखते हैं कितना दूर तक बारिश मिलती है। थोड़ी दूर मिला था, उसके बाद धूप हो गई है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गुजरात। एमपी के बॉर्डर पे आ चुके हैं, इसके बाद फिर आ जाएगा गुजरात। गुजरात में बॉर्डर है नहीं,
से कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तो टाइम लगता है, लगभग ये आधा पौना घंटा तो जाएगा ही जाएगा। अभी यहाँ से बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर पे आज पहली बार है कि आज जाम नहीं लगा हुआ है, एकदम खाली खाली दिख रहा है, दो चार गाड़ी बचे हुए हैं, बाकी तो यहाँ पीछे जो बोर्ड लगा था वहाँ तक लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। मात्र 10 मिनट में पार हो जाएंगे हम लोग। सामने वाली गाड़ी कांटे पे चढ़ गई है, इसके बाद अपना ही नंबर है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी के पास, अभी खाली करेंगे यहाँ खाली करके जाएंगे ट्रांसपोर्ट पे।